उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें, मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करेगी।